भिलाई क्षेत्र युवा बेरोजगारों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने निगम द्वारा तैयार किए जा रहे बीपीओ सेंटर, गारमेंट फैक्ट्री तथा नेहरू नगर चौक का चल रहे विस्तारी एवं सौंदर्यकरण कार्य का जिलाधीश निगम भिलाई आयुक्त ने अधिकारियों के साथ किया स्थल निरीक्षण। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए बीपीओ सेंटर की स्थापना हो चुकी है। साथ ही महिलाओं को स्वावलंबी बनाने हेतु गारमेंट फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है और इसी के साथ नेहरू नगर के चौक का विस्तारीकरण और सौंदर्यीकरण भी लगभग पूर्ण होने वाला है। इन सभी जगहों के कार्यों की गति को देखने के लिए दुर्ग जिलाधीश ने निगम भिलाई के आयुक्त के साथ दौरा किया और यथास्थिति से अवगत हुए। जिलाधीश महोदय ने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। माननीय कलेक्टर महोदय, नगर निगम भिलाई के आयुक्त महोदय, अपर आयुक्त महोदय और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी, जिसमें बीएसपी के भी स्वास्थ्य अमला शामिल था, वे सभी कलेक्टर महोदय के साथ सेक्टर 2 के विभिन्न सड़कों का भ्रमण किए हैं और कलेक्टर सर ने बीएसपी के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जो जिला स्वास्थ्य विभाग है और राज्य कीट नियंत्रण अधिकारी के जो निर्देश दिए गए हैं दवाई के वितरण का और धुआं छोड़ने के लिए जो दवाई बताई गई है उसके आधार पे निर्धारित समय सुबह 5 बजे से लेकर 7 बजे तक और शाम को 7 बजे से 6 बजे से लेकर 8 बजे तक धुआं का छिड़काव करें ताकि डेंगू का प्रभाव को रोका जा सके और घर घर उसकी जांच करके आयुक्त महोदय ने निर्देश दिया था कि घर घर जाँच करके जिनके यहाँ दोबारा जाँच में लार्वा पाया जा रहा है ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ जुर्माने की कार्रवाई की जाए। तो नगर निगम की टीम जो है, संयुक्त टीम बीएसपी और नगर निगम की, वो जुर्माने की कार्रवाई लगातार कर रही है। अब तक 11 लोगों से 9,500 रुपये की जुर्माना राशि वसूल की जा चुकी है। सभी कार्य बड़ी तेज गति से चल रहे हैं और बहुत जल्द जिस प्रकार युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे उसी प्रकार निगम क्षेत्र की महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए गारमेंट फैक्ट्री भी बनकर तैयार हो जाएगा। इसके बाद यकीनन भिलाई शहर की दशा और दिशा बदली हुई नजर आएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।